बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा ये मैं क्वेश्चन ज़रा लिख लेता हूँ और फिगर भी बना देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 101 एंड 221 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई माइनस z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो पॉइंट से गुजर रही और वो इस दिए हुए प्लेन के परपेंडिकुलर। फर्ज कर लेते हैं वो प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू 1। Let equation of required plane is ax plus by plus cz is equal to 1। जबकि ए बी सी रिक्वायर्ड प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन को साइन, वेयर A, B, C, sorry, direction ratio, where A, B, C are the direction ratios of normal to plane. Also, जो given plane है उस पे normal के direction ratios हैं 1, minus 1, और माइनस वन। आल्सो 1 माइनस 1 माइनस 1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू गिवन प्लेन। अब क्योंकि ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है इसलिए इन प्लेन्स पे नॉर्मल भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो फिर इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। एज बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर सो इनके प्लेन्स पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट भी जीरो होगा। ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या है। अब ये दोनों पॉइंट्स रिक्वायर्ड प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो जाहिर है फिर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इनको बारी बारी पुट करके वहां से भी दो इक्वेशन निकाल। एज 101 एंड 221 lie on the required plane, so उसको सेटिस्फाई करेंगे यानी ये आ जाएगा हमारे पास a plus c is equal to 1। इसको भी पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2a plus 2b plus c is equal to 1। इसको इक्वेशन 3 और 4 है। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम आपस में सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यूज निकालते हैं, वो जो ए बी सी की वैल्यूज आएंगी उनको यहाँ ए बी सी की जगह रखेंगे तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आएगी। अब इनको सॉल्व करना है हमें तो उसके लिए क्या करते हैं 2 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 4 में ऐड कर देता हूँ, इससे b वाली टर्म्स हमारे पास खत्म हो जाएंगी और a और c में एक इक्वेशन आ जाएगी। उस a और c में इक्वेशन आ जाएगी और ये a और c में एक इक्वेशन है, इनको आपस में सॉल्व करके हम a और c फाइंड कर,
उसके बाद भी वी फाइंड कर लें। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और ऐड कर रहे हैं 4, ये आ जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1, आ गया 4a माइनस c इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। अब 3 और 5 को सॉल्व करके हम a और c निकाल लेते हैं। नाउ 3 और 5 को प्लस करें तो a प्लस 4a 5a आ जाएगा, c वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी और 1 प्लस 1 2 आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू आ गई 2/5, इसको पुट कर देते हैं 3, पुट इन 3, क्या आ जाएगा 2/5 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5, ये हमारे पास आ जाएगा 3/5। अब ये a और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में a और c की जगह पुट करते हैं वहां से भी आ जाए। नाउ द वैल्यूज ऑफ a एंड c इन 2, 2/5 माइनस बी माइनस 3/5 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 1/5, ये a b c की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, देयरफॉर 1 बिकम्स 2/5x माइनस 1/5y प्लस 3/5z इज इक्वल टू 0, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं आ जाएगा 2x माइनस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is perpendicular bisector of the line segment joining points 3, 4, -1 and 5, 2, 7। हमने एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। फर्ज कर लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये बी, लेट ए 3, 4, -1 एंड बी 5, 2, 7 डी द given points। अब ए बी वेक्टर जो होगा
वो इस दी हुई लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा। नाउ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ए बी, डी से जाहिर कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 5 - 3 - 2, 2 - 4 - 2, 7 - 1 - 8 - 1. Therefore, 2 - 2 - 8 are the direction ratios of line AB. अब देखें प्लेन पे जो नॉर्मल वो लाइन ए बी के पैरेलल, इसका मतलब जो ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो लिख देते हैं दीज आर आल्सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन। नीचे आ रहा आल्सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन। तो प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता लग गए वो हैं 2 - 2 और 8। अब लाइन ए बी का मिड पॉइंट फाइंड कर। नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए बी वो आ जाएगा 3 + 5/2 = 4 4 + 2/2 = 3 -1 + 7/2 = 3 अब देखें रिक्वायर्ड प्लेन ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल दरमियान से गुजर रहा है। इसका मतलब ए और बी का मिड पॉइंट जो है वो इस रिक्वायर्ड प्लेन पे लाई करता होगा। तो यही बात कह देते हैं विच इज आल्सो अ पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड प्लेन एज required plane bisects the line AB so midpoint of AB i.e. M433 also a point on required, also a point of required plane. ये इसके ऊपर लाइक है। अब जो प्लेन चाहिए उस प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज भी हमें पता लग गए, उस पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता लग गए। तो नॉर्मल और पॉइंट की मदद से इन पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज वो आ जाएगी ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जी माइनस जी वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ ये ए बी सी है और एक्स वन वाई वन जी वन है, ये आ जाएगा 2 - x - x1 = 4 + 2 - y - y1 = 3 + 8 - z -
3 is equal to 0. 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 4 माइनस y माइनस 3 प्लस 4 इंटू z माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x माइनस 4 माइनस y प्लस 3 प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0. x माइनस y प्लस 4z माइनस 16 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड. बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 ये आपने खुद ही कर लिया. क्वेश्चन नंबर 12 इस जैसा ही वो आपने खुद कर. क्वेश्चन नंबर 9 इसे मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ. Question number 9 is show that the join of this and this intersects the join of this and this. हमने ये साबित करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. उसके लिए हम पहले एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो तीन दिए हुए पॉइंट से पास कर रही. फर्स्टली वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स. वो फर्ज कर लेते हैं वो तीन पॉइंट्स ये हैं, एक दो और ये तीन. लेट दिस एंड दिस बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी दीज पॉइंट्स. फर्स्ट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 1. लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू 1. इसकी इक्वेशन नंबर 1. अब हमने कहा कि ये तीनों पॉइंट्स इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो जाहिर है इसको सेटिस्फाई करें. तो लिखते हैं एज द पॉइंट्स लाइज ऑन द प्लेन वन सो वो इसको सेटिस्फाई करें. इसको पहले पुट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 1
यहां से b इज इक्वल टू माइनस, इसको पुट करते हैं इसमें, ये आ जाएगा 2a प्लस 4b माइनस c इज इक्वल टू 1, इसको पुट करते हैं ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 और इसको 3 कह रहे हैं। इनको सॉल्व करके हम यहाँ से a, a और c की वैल्यूज निकाल लेंगे, a b c आ जाएगा तो वो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ये हमसे पूछी तो नहीं है लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। 2 प्लस 3 ये आ जाएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 2, यहाँ b की वैल्यू यूज करते हैं, ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 बाय 3। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो वहां से c निकल आता है, पुट a एंड b इन 3, ये आ गया 7 बाय 3 माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू 2 माइनस 7 बाय 3, c आ जाएगा माइनस 1 बाय 3। अब ये a b c तीन बार में पुट कर, देयरफॉर 1 बिकम्स हो जाएगा 7 बाय 3 x माइनस y माइनस 1 बाय 3 z इज इक्वल टू 1, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं आ जाएगा 7x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 1, ये प्लेन की क्वेश्चन। इस प्लेन को भी इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या ये भी इसमें लाई कर रहा है कि नहीं, पुट 3 3 9 ये आ जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 21 माइनस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा, ये आ गया 3 इज इक्वल टू 3, ये तो सेटिस्फाई कर गए। इसका मतलब ये पॉइंट भी इस प्लेन पे लाई कर satisfied, therefore 339 also lies on the plane. ये एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड की थी जो तीनों प्लेन्स तीनों पॉइंट से पास कर रही थी, फोर्थ पॉइंट भी इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो भी उस प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स को प्लेनर हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, देयरफॉर ऑल फोर पॉइंट्स आर को प्लेनर। अब देखें अगर ये चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, अब उसके बाद अगर हम ये साबित कर दें कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब इनको ज्वाइन करने वाली लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके तो फिर इंटरसेक्ट करती होंगी और यही हमारी रिक्वायरमेंट। तो अगली बार अब हम ये साबित कर देते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, उसके लिए इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं, अगर उनकी रेशियो सेम नहीं आती यानी वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो पैरेलल नहीं होंगे, पैरेलल नहीं होंगे तो मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही काम होगा।
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल वन वो आ जाएंगे, एल वन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 2-0 टू 4-1 5-1 -0-. इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल टू वो आ जाएंगे 3-1 2 3-1 2 9-1 8. अब देख लें ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल नहीं, सॉरी ये दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं, यानी इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो सेम नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं. एज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ द लाइंस are not proportional, so they are not parallel, so they are not parallel. ये एक प्लेन में भी लाई कर रहे हैं, लाइंस और पैरेलल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे, तो यही बात लिख देते हैं. एज दे आर नॉट पैरेलल एंड आल्सो लाई इन द सेम प्लेन सो दे इंटरसेक्ट ईच अदर. Lines are lying in the same plane, also they are not parallel, so ye lazmi taur par intersect kare. So they must intersect each other. Or he required. ये question complete हो गया. अब आगे question number 10 करेंगे हम. इसकी मैं पहले फिगर बना लेता हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 द वर्टिसेस ऑफ द टेट्राहेड्रन आर 0 0 0 3 0 0 0 -4 0 and 0 0 5. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स ऑफ इट्स फेसेस. एक टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस दे दिए
अब हमने इनके फेसेस के प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि टेट्राहेड्रन एक फोर फेस्ड फिगर है, तो इसका मतलब इसके चार फेसेस की हम प्लेन्स यानी चार प्लेन्स की हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। इसको मैं नाम दे देता हूँ वर्टिसेस ए बी सी और ओ। अब चार फेसेस हैं हमारे पास ओ ए बी, ओ बी सी, ए ओ सी और ए बी सी, ये ऊपर वाला फेस। इन चार फेसेस के हमने इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे पहले जो मैंने इनको नाम दिए वो लिख लेते हैं हम, लेट ओ जीरो 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 ए थ्री जीरो जीरो बी जीरो माइनस फोर जीरो एंड सी जीरो जीरो फाइव बी द वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रन। अब सबसे पहले हम एक प्लेन की इक्वेशन ले लेते हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और जिस पे जिसके प्लेन पे नॉर्मल जोन्स है वो हम एम ले लेते हैं ए बी सी। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ओरिजिन एंड एम इज इक्वल टू ए बी सी एज ए नॉर्मल इज गिवन बाय एक प्लेन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास कर रही है और उस प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर ये, तो उसकी इक्वेशन होगी हमारे पास ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जी माइनस जी जी वन बी जी वन इज इक्वल टू जी। ये आगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू जी। अब अगर ए और बी पॉइंट भी इस प्लेन पे लाई करते हैं तो वो भी इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इफ ए थ्री जीरो जीरो एंड बी जीरो माइनस फोर जीरो लाई ऑन दिस प्लेन देन वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी ए यानी थ्री ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू जीरो माइनस फोर बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से बी इज इक्वल टू जीरो। ये ए बी की इक्वेशन, इसमें पुट कर ए बी की वैल्यू इधर पुट करते हैं, इसको मैं वन का नाम ले देता हूँ, दे फोर वन बी कम्स वो आ गया सी जी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ से आ गया जी इज इक्वल। अब ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई है जो पॉइंट ओ ए बी से पास कर रहे, ओ ए और बी, सॉरी उस फेस की इक्वेशन आ गई है जो ए ओ ए बी से पास कर रहे, विच इज इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ओ ए बी। अब अगर गौर करें ओ ए बी ये फेस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और उसकी इक्वेशन राइट एक्स वाई में जी जीरो होता है और इसकी इक्वेशन ये निकल आई, तो फिर सिमिलरली ए ओ सी प्लेन तो एक्स जी प्लेन में लाई कर रहा है फेस, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी वाई इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल इसी तरह ओ बी सी प्लेन वाई जी प्लेन में लाई कर रहा है और वाई जी में एक्स जीरो होता है तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो लिख देते हैं सिमिलरली y is equal to 0 and z is equal to 0 be the equations of planes
through OAC and OBC respectively. ये तीनों planes की equation हमने find कर ली। अब हम उस plane की equation find करेंगे जो ABC से pass कर। Now we find the equation of plane through ABC. अब इस प्लेन के तीनों इंटरसेप्ट्स यानी x, y और z गिवन, तो फिर इस प्लेन की इक्वेशन हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन ये वाली इक्वेशन यूज करके फाइंड कर। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x over a plus y over b plus z over c is equal to 1। यहाँ a x इंटरसेप्ट होता है जो कि 3 है, यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। b y इंटरसेप्ट है जो कि 4 minus 4 है। c z इंटरसेप्ट होता है जो कि 5। अब जाहिर है इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारे पास एक सिंपलीफाइड इक्वेशन आ जाएगी प्लेन। तो देयरफॉर चारों प्लेन की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ required planes are x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and x by 3 minus y by 4 plus z by 5 is equal to 1। और ये आंसर।